कूदे जो पीएससी मा होगे बवाल। दिन रात पढ़ना है मचावो धमाल। काम पर ले थसरे टेंशन, अरे काम पर ले थसरे टेंशन, जब अफसर बन के ते घर में धमाल। ये कैसे होगा सर? हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? स्वागत है आपका फिर से कंपटीशन कम्युनिटी के इस ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे, जिसमें हम क्या करा रहे हैं आपको, तो एमसीक्यू के माध्यम से संपूर्ण सीजीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी करा रहे हैं। यहाँ तक आपको सब पता है। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि दंडकारण्य के अंतर्गत कौन कौन से प्रमुख पर्वत हैं और कौन कौन से प्रमुख पठार हैं। मैं विनय सिंह राजपूत स्वागत करता हूँ आपका अपने अगले वीडियो में। और आज का हमारा टॉपिक है छत्तीसगढ़ के पठारीय एवं पाट प्रदेश, मतलब छत्तीसगढ़ के पठार एवं पाट प्रदेशों से संबंधित क्या करना है, आज हमको चर्चा करनी है, उससे संबंधित हमको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की ओर, जिसमें देखेंगे हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। पहला प्रश्न आपके सामने आपके स्क्रीन पर है, क्या बोला जा रहा है, पेंड्रा पठार के संबंध में कथनों पर विचार करें। किसके संबंध में? तो पेंड्रा पठार के संबंध में आपको कथनों पर विचार करने हैं। कौन कौन से कथन दिए गए हैं? तो पहला बोला जा रहा है, यह पठार चांग बखार देवगढ़ पहाड़ी का हिस्सा है। ठीक है, क्या बोला जा रहा है, यह पठार जो है यह चांग बखार देवगढ़ पहाड़ी का हिस्सा है। दूसरा क्या बोल रहा है, इस पहाड़ी से उद्गमित नदी के किनारे पेंड्रा नगर बसा है। ठीक है, यह बसाया गया है बोला जा रहा है, यहां पर थोड़ा सा करेक्शन है, इसमें लिखना बसा है। ठीक है, क्या है, बसा है। किसके किनारे? तो इस पहाड़ी से जो नदी उद्गमित हो रही है उसके किनारे क्या हो रहा है, पेंड्रा नगर बसा है, ऐसा कहा जा रहा है। तीसरा कथन क्या बोल रहा है, इस पठार से खारून नदी निकलती है। ठीक है, कौन से पठार से? तो पेंड्रा पठार से खारून नदी निकलती है। और चौथा क्या बोल रहा है, कोनरी खोंगसरा पहाड़ी इसका प्रमुख भाग है। अब इसमें आपको छांटना क्या है, तो आपको असत्य कथन छांटने हैं। क्या छांटने हैं? असत्य कथन आपको छांटने हैं। क्लियर है? पहला ऑप्शन क्या दिया है, दो और तीन असत्य है। दूसरा क्या दिया है, एक दो तीन असत्य है। तीसरा दिया है, एक तीन चार असत्य है। और चौथा दिया है, सभी असत्य है। ठीक, आप चर्चा कीजिए इसके ऊपर, थोड़ा सा बनाइए, समय लीजिए और इसका आप आंसर पहले दीजिए, फिर मैं इसके बारे में क्या करूंगा, चर्चा करूंगा। क्लियर है? ठीक है, अपना आंसर आप लगा लिए। मैं अपना आंसर देने से पहले आपको पेंड्रा पठार के बारे में कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। ठीक, टॉपिक क्या है आज का हमारा, तो पेंड्रा पठार। टॉपिक क्या अपना? पेंड्रा पठार। ठीक है, क्या है टॉपिक अपना? तो पेंड्रा पठार हमारा आज का टॉपिक है। पेंड्रा पठार जो है, इसको देखने से पहले हम लोग देख लेते हैं कि छत्तीसगढ़ के अंतर्गत कौन कौन से महत्वपूर्ण पठारीय क्षेत्र हैं। ठीक, तो सबसे पहले मैप में देख लेते हैं कि छत्तीसगढ़ के अंतर्गत कौन कौन सा जो क्षेत्र है वो प्रमुख पठारीय क्षेत्र है। तो आज जो हम लोग चर्चा करने वाले हैं उसमें एक जो पठार आप देख रहे हैं जो आपकी स्क्रीन पर है, पेंड्रा पठार, इस पेंड्रा पठार का जो विस्तार है वो है गौरेला पेंड्रा मरवाही में। ठीक है, कौन से जिले में? गौरेला पेंड्रा मरवाही के अंतर्गत आपका कौन सा पठार? तो पेंड्रा पठार, पेंड्रा पठार। इसके अलावा गौरेला पेंड्रा मरवाही के नीचे एक जिला जिसका नाम क्या, मुंगेली। मुंगेली में एक पठार जिसका नाम है लोरमी पठार। ठीक है, कौन सा पठार है? लोरमी पठार है, लोरमी पठार, लोरमी पठार। इसके अलावा जो ये क्षेत्र देख रहे हैं आप, महासमुंद, गरियाबंद, धमतरी और बालोद, ठीक, ये जो चार जिले हैं ये कहलाते हैं पूर्वी सीमांत उच्च भूमि। क्या कहलाते हैं? तो पूर्वी सीमांत उच्च भूमि कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं ये जिले?
सॉरी ये जो क्षेत्र क्या कहलाता है, पूर्वी सीमांत उच्च भूमि, या इसी को कहा जाता है धमतरी महासमुंद का पठार। क्या कहा जाता है? धमतरी महासमुंद का पठार, धमतरी महासमुंद का पठार, या पूर्वी सीमांत उच्च भूमि, जिसके अंतर्गत कौन कौन से जिले शामिल हैं? महासमुंद, गरियाबंद, धमतरी और बालोद, ये चार जिले शामिल हैं। आज जो हमारे चर्चा का पहला विषय है छत्तीसगढ़ का पठार, उसके अंतर्गत हम इन्हीं पठारी क्षेत्र के बारे में क्या करेंगे? अध्ययन करेंगे और इनसे संबंधित क्वेश्चन आंसर क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। तो पहला देखते हैं जो पेंड्रा पठार है आपका, इस पेंड्रा पठार का विस्तार आपको कहां नजर आ रहा है? पेंड्रा पठार का विस्तार कहां पर है इसका विस्तार? तो ये है गौरेला, पेंड्रा और मरवाही जिले में। ठीक है, कौन सा जिला? गौरेला, पेंड्रा और मरवाही जिला। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि गौरेला, पेंड्रा, मरवाही जो जिला है वो छत्तीसगढ़ के किस क्रम का जिला है। ठीक है, क्या बताना है आपको? छत्तीसगढ़ के किस क्रम का जिला है और गौरेला, पेंड्रा, मरवाही का जो गठन है वो किस तिथि को हुआ था। इसके अलावा आप बताएंगे गौरेला, पेंड्रा, मरवाही का मातृ जिला कौन सा है। ये तीन चीजें आपको गौरेला, पेंड्रा, मरवाही के बारे में बताना है। पहला क्या बताएंगे? किस नंबर का छत्तीसगढ़ का जिला है। दूसरा क्या बताएंगे कि कब इसका गठन हुआ और इसका मातृ जिला कौन सा है। ये तीन चीज आप मुझे अभी कमेंट सेक्शन पर बताएंगे। ठीक है, इसके अलावा ये जो पेंड्रा पठार है ये मैकल पर्वत का भाग है। ठीक है, किसका भाग है? मैकल पर्वत का भाग है। किसका भाग? तो मैकल पर्वत का भाग है। हमने देखा था कि जो मैकल पर्वत है वो कौन कौन से जिले में विस्तृत था। तो हमने देखा था कि गौरेला, पेंड्रा, मरवाही से लेकर किस जिले तक विस्तृत था? तो राजनांदगांव जिले तक विस्तृत था। आप फिर से मुझे आज कमेंट करिए और बताइए कि कौन कौन सा जो जिले का क्षेत्र है वहां पर मैकल पर्वत विस्तृत है। अभी जस्ट कमेंट में आप मुझे बताएंगे इसको भी। अब हम पढ़ते हैं पेंड्रा पठार की ओर। ठीक है, पेंड्रा पठार के बारे में कुछ कथनों पर चर्चा करते हैं पहले। ये जो पेंड्रा पठार है आपका, इस पेंड्रा पठार में एक महत्वपूर्ण पहाड़ी है। ठीक है, पेंड्रा पठार के अंतर्गत क्या है? एक महत्वपूर्ण पहाड़ी है जिसका नाम है खोंडरी खोंगसरा की पहाड़ी। खोंडरी खोंगसरा पहाड़ी, ठीक है, पेंड्रा पठार के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण पहाड़ी कौन सी? तो खोंडरी खोंगसरा की पहाड़ी है। क्लियर। इस खोंडरी खोंगसरा की पहाड़ी से अरपा नदी निकलती है। कौन सी नदी निकलती है? अरपा नदी निकलती है। ठीक है, कौन सी नदी निकलती है? तो अरपा नदी निकलती है किस पहाड़ से? तो खोंडरी खोंगसरा की पहाड़ी से। ये जो अरपा नदी है कहां से निकल रहा है? खोंडरी खोंगसरा पहाड़ी, पेंड्रा पठार। किस जिले में है? तो ये है आपका गौरेला, पेंड्रा, मरवाही में। मतलब अरपा नदी खोंडरी खोंगसरा पहाड़ी से निकलने के उपरांत सर्वप्रथम कौन से जिले में प्रवाहित होगी? तो गौरेला, पेंड्रा, मरवाही जिले में प्रवाहित होगी। इसके उपरांत ये जो नदी है, कौन सी नदी आपकी? अरपा नदी। ये अरपा नदी गौरेला, पेंड्रा, मरवाही के उपरांत बिलासपुर जिले में प्रवेश करती है। कौन से जिले में प्रवेश कर रही है? तो बिलासपुर जिले में प्रवेश कर रही है। गौरेला, पेंड्रा, मरवाही के उपरांत कहां पहुंच गई है? बिलासपुर जिला पहुंच गई। और बिलासपुर में, ठीक, कहां पर? बिलासपुर में इस नदी पर, ठीक है, कौन सी नदी पर? तो अरपा नदी पर अरपा भैंसाझार, अरपा भैंसाझार परियोजना है। ठीक है, कौन सी परियोजना है? अरपा भैंसाझार परियोजना है। और यह जो परियोजना है 1978-79 में क्या हुई थी? शुरू हुई थी। और इस परियोजना की नींव, इस परियोजना की नींव मनहरण पांडे के द्वारा रखी गई थी। ठीक है, किसके द्वारा रखी गई थी? तो मनहरण पांडे जी के द्वारा क्या किया गया था? इसका नींव रखा गया था। ठीक, अब ये कौन थे मनहरण पांडे? ठीक है, तो जो मनहरण पांडे जी थे ये अविभाजित मध्य प्रदेश, ठीक है, किसके? तो अविभाजित मध्य प्रदेश, मतलब मध्य प्रदेश तब जब छत्तीसगढ़ उससे अलग नहीं हुआ था, तब के क्या थे? ये सिंचाई मंत्री थे। ठीक है, क्या थे? ये सिंचाई मंत्री थे। अविभाजित मध्य प्रदेश के क्या थे? ये सिंचाई मंत्री थे, जिनके द्वारा अरपा भैंसा परियोजना, सॉरी, अरपा भैंसा झार परियोजना का क्या रखा गया था? न्यू रखा गया था। क्लियर है। अब ये जो अरपा नदी है इसे बिलासपुर की जीवन रेखा नदी भी कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है? बिलासपुर की
जीवन रेखा नदी, बिलासपुर की जीवन रेखा नदी इसको कहा जाता है। साथ ही ये जो बिलासपुर शहर है ये अरपा नदी के तट पर ही बसा है। ठीक है, किसके तट पर बसा है? तो अरपा नदी के तट पर बसा है। ठीक, बिलासपुर शहर कौन से नदी के तट पर बसा है? तो अरपा नदी के तट पर बसा है। साथ ही अरपा नदी को क्या कहा जाता है? तो अरपा नदी को बिलासपुर की जीवन रेखा नदी, लाइफ लाइन रिवर ऑफ बिलासपुर कहा जाता है। किसको? अरपा नदी को। क्लियर है यहां तक? खुंडरी खोंगसरा की पहाड़ी से कौन सी एक नदी निकल गई? अरपा नदी निकल गई। अरपा नदी सबसे पहले कौन से जिले में प्रवाहित हो रही है? तो गौरेला पिंडा मरवाही जिले में प्रवाहित हो रही है। गौरेला पिंडा मरवाही के उपरांत कहां पहुंच रहे हैं? बिलासपुर। और बिलासपुर में इस नदी पर क्या है? एक अरपा भैंसा झार परियोजना है, जो कि कब बना है? 1978-79 में, 1978-79 में बना है। ठीक, और इसकी नींव किसके द्वारा रखी गई थी? तो मनहरण पांडे जी के द्वारा रखी गई थी, जो कि कौन थे? अविभाजित मध्य प्रदेश में सिंचाई मंत्री थे। ठीक है, इसके अलावा क्या कहा जाता है अरपा नदी को? तो बिलासपुर की जीवन रेखा नदी कहा जाता है। और क्या चीज ध्यान रखना है कि अरपा नदी के तट पर ही कौन सा शहर बसा है? आपका बिलासपुर शहर बसा है। इसके अलावा ये जो अरपा नदी है इसकी एक सहायक नदी है। ठीक है, अरपा नदी की क्या है? एक सहायक नदी है जिसका नाम है खारंग नदी। ठीक है, कौन सी नदी? खारंग नदी। अरपा नदी की क्या है? एक सहायक नदी है जिसका नाम क्या है? खारंग नदी। इस खारंग नदी पर, ठीक है, कौन सी नदी पर? खारंग नदी पर एक बांध है जिसका नाम है खूंटा घाट बांध। ठीक है, क्या नाम है? तो खूंटा घाट बांध नाम है। खूंटा घाट बांध, ठीक है, जो खूंटा घाट बांध है ये बिलासपुर जिले में है। ठीक है, कौन से जिले में है? बिलासपुर जिले में है। बिलासपुर जिले के अंतर्गत भी कहां है? तो रतनपुर में है। ठीक है, कहां पर है? रतनपुर में। खूंटा घाट बांध, या इसी को कहा जाता है आनंद सागर जलाशय। ठीक है, क्या कहा जाता है? आनंद सागर जलाशय कहा जाता है। ठीक है, इसको क्या कहा जाता है? तो आनंद सागर जलाशय कहा जाता है। समझ में आ गया? ठीक है, इस खूंटा घाट बांध पर, ठीक है, कौन से बांध पर? खूंटा घाट बांध पर एक परियोजना है जिसका नाम है संजय गांधी परियोजना। ठीक है, कौन सी परियोजना है? संजय गांधी परियोजना। ठीक है, कौन सी गांधी परियोजना है? संजय गांधी परियोजना है। और ये जो संजय गांधी परियोजना है ये 1920 से 1931 के मध्य में क्या हुई थी? बनी थी। मतलब बनना शुरू कब हुआ था? 1920 में। और कंप्लीट कब हो गया बनके? तो 1931 में यह बनकर क्या हो गया था? तैयार हो गया था। क्लियर है यहां तक पिंडरा पठार के बारे में? ठीक, सबसे पहले आपको क्या ध्यान रखना है कि विस्तार कहां पर? गौरेला पिंडरा मरवाही जिले में। क्लियर, इसके अलावा किसका भाग ये? तो मैकल पर्वत का भाग। मैकल पर्वत के भाग के अलावा और क्या देख रहे हैं कि पिंडरा पठार के अंतर्गत कौन सी एक पहाड़ी? तो खुंडरी खोंगसरा की पहाड़ी। खुंडरी खोंगसरा की पहाड़ी से कौन से नदी का उद्गम? तो अरपा नदी का उद्गम। अरपा नदी सबसे पहले कहां प्रवाहित हो रही है? तो गौरेला पिंडरा मरवाही में, उसके बाद बिलासपुर जिले में। बिलासपुर के अंतर्गत इसमें कौन सी एक परियोजना? तो अरपा भैंसा झार परियोजना। अरपा भैंसा झार परियोजना कब बना? तो 1978-79 में। न्यू किसके द्वारा रखा गया? मनहरण पांडे जी के द्वारा, जो कि कौन थे? तो अविभाजित मध्य प्रदेश में सिंचाई मंत्री थे। इसके अलावा आपको क्या जानना है कि बिलासपुर की जीवन रेखा नदी कहा जाता है। किसे कहा जाता है? तो अरपा नदी को कहा जाता है। इसके अलावा बिलासपुर जो शहर है वो कौन से नदी के तट पर है? तो वो भी अरपा नदी के ही तट पर है। साथ ही हमने क्या देखा कि इसकी एक सहायक नदी है। किसकी सहायक नदी है? अरपा की। नाम क्या है उसका? खारंग नदी। खारंग नदी पर कौन सा एक बांध? तो खूंटा घाट बांध। खूंटा घाट बांध कहां पर? बिलासपुर जिले में। बिलासपुर जिले के अंतर्गत प्रॉपर स्थान क्या? तो रतनपुर। खूंटा घाट बांध पर कौन सी एक परियोजना? तो संजय गांधी परियोजना, जो कि कब से कब तक में बनी थी? तो 1920 से 31 के मध्य में बनी थी। क्लियर है, समझ में आ गया? ठीक, अब अपन चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है? पिंडरा पठार के संबंध में कथनों पर विचार करना है। ठीक है, क्या कथन है? यह जो पिंडरा पठार है किसका हिस्सा है? चांगबखार देवगढ़ पहाड़ी का हिस्सा है। क्या है? नहीं है। हमने अभी देखा किसका हिस्सा था? मैकल पर्वत का हिस्सा था, अभी जस्ट पढ़ा हमने। तो पहला ऑप्शन क्या हो जा रहा है यहां पर? गलत। ठीक, दूसरा क्या बोला जा रहा है?
इस पहाड़ी से उद्गमित नदी के किनारे पिंडरा नगर बसा है। बसा है क्या पिंडरा नगर? नहीं। सबसे पहले याद कीजिए कौन सी नदी है, तो अरपा नदी। कहां से निकल रही है? कोंडरी खोंगसरा पहाड़ी पिंडरा पठार से। और अरपा नदी के किनारे कौन सा शहर है? तो बिलासपुर शहर है, ना कि पिंडरा शहर। क्लियर? तो यह भी क्या हो जा रहा है? गलत हो जा रहा है। ठीक है कि इस पहाड़ी से उद्गमित नदी के किनारे पिंडरा नगर बसा है। तो उद्गमित नदी, सबसे पहले आपको क्या याद रखना पड़ेगा कि इस पठार से नदी कौन निकल रही है? तो अरपा नदी निकल रही है, आपको पता चल गया, हमने जस्ट अभी पढ़ा। अब अरपा नदी निकल रही है, तो अरपा नदी किनारे सीधा सीधा आपको पता है कि कौन सा शहर है? तो बिलासपुर शहर है, है ना। इसलिए ये भी ऑप्शन क्या हो जा रहा है? आपका गलत हो जा रहा है। तीसरा क्या बोल रहा है? इस पठार से खारून नदी निकलती है। अभी जस्ट हमने देखा खारून नदी नहीं निकलती, इस पठार से कौन सी नदी निकलती है? तो अरपा नदी निकलती है। ठीक है, कौन सी नदी निकलती है? अरपा नदी निकलती है ना। और चौथा क्या बोल रहा है? खोंडरी खोंगसरा की पहाड़ी जो है इसका प्रमुख भाग है। देखा था हमने पिंडरा पठार के अंतर्गत एक पहाड़ी खोंडरी खोंगसरा की पहाड़ी है, जहां से कौन सी नदी निकल रही है? तो वहां से निकल रही है आपकी अरपा नदी, है ना। तो खोंडरी खोंगसरा की पहाड़ी इसका प्रमुख भाग है। ये ऑप्शन क्या हो रहा है? बिल्कुल सही हो रहा है। अब अपने छांटना क्या है? असत्य कथन छांटने हैं। असत्य कथन हमने निकाल लिया है। पहला कथन असत्य है, दूसरा कथन असत्य है, तीसरा कथन असत्य है। कहां पर दिख रहा है ऑप्शन आपको? बी में। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी। क्लियर है सारे पॉइंट्स, सारे फैक्ट्स क्लियर हैं आपको, समझ में आ गए? ठीक है, चलो बढ़ते हैं आगे अपने अगले क्वेश्चन की ओर। पिंडरा पठार, ठीक है, क्या बोला जा रहा है? फिर से पिंडरा पठार के संबंध में कुछ तथ्यों पर आपको क्या करना है? ध्यान देना है। ठीक है, किसके संबंध में? तो पिंडरा पठार के संबंध में तथ्यों पर आपको क्या करना है? ध्यान देना है। पिंडरा पठार के बारे में अभी हमने सभी चीजें पढ़ ली है, ठीक है, सब चीजें पढ़ ली है। तो अब आप यहां पर आराम से इसका क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आंसर आप आराम से दे पाएंगे, ऐसा मैं उम्मीद करता हूं आपसे। ठीक है, क्या कहा जा रहा है? यह पहाड़ी मैकल पर्वत का भाग है। दूसरा क्या बोल रहा है? खोंडरी खोंगसरा पहाड़ी से अरपा नदी निकलती है, यह अरपा नदी का उद्गम है। तीसरा क्या बोल रहा है? अरपा नदी के किनारे बिलासपुर शहर नहीं बसा है। और चौथा बोल रहा है अरपा नदी पर खूंटा घाट बांध निर्मित है। अब इसमें क्या करना है आपको? कौन से कथन सत्य है? ठीक है, सत्य कथन जानने हैं। चलो बनाइए आप। ठीक है, मेरे आंसर बताने से पहले आप अपना आंसर लगाइए, फिर आगे पढ़ते हैं हम। लगा लिया आंसर आप अपना? ठीक, तो चलो अब चर्चा करते हैं। अभी देखा था हमने कि यह पहाड़ी मैकल पर्वत का भाग है, बिल्कुल कथन है। पिंडरा पठार के अंतर्गत जो पिंडरा पठार है वो किसका भाग है? मैकल पर्वत का भाग है। दूसरा क्या बोल रहा है आपको? कि खोंडरी खोंगसरा की जो पहाड़ी है यहां से अरपा नदी का उद्गम होता है, बिल्कुल सही है। पिंडरा पठार के अंतर्गत एक पहाड़ी आपकी खोंडरी खोंगसरा की पहाड़ी, जहां से कौन सी नदी का उद्गम हो रहा है? अरपा नदी का उद्गम हो रहा है। तीसरा क्या बोल रहा है? अरपा नदी के किनारे बिलासपुर शहर नहीं बसा है। अभी हमने जस्ट देखा था कि अरपा नदी के किनारे ही कौन सा शहर बसा है? आपका बिलासपुर शहर बसा है। तो ये कथन क्या हो जा रहा है आपका? गलत हो जा रहा है। चौथा क्या बोल रहा है? अरपा नदी पर खूंटा घाट बांध निर्मित है। क्या अरपा नदी पर खूंटा घाट बांध निर्मित है? नहीं, अरपा नदी पर खूंटा घाट बांध निर्मित नहीं है। अरपा की सहायक नदी है क्या? खारंग। और खारंग नदी पर क्या है? खूंटा घाट बांध निर्मित है। इसलिए यह कथन भी क्या हो जा रहा है आपका? गलत हो जा रहा है। मतलब कौन सा कथन आपका सत्य है? तो एक और दो कौन से कथन क्या है आपके? सत्य है। और एक और दो कहां पर दिख रहा है आपको आंसर में, ऑप्शन में? तो ए में दिख रहा है। तो ए में अगर दिख रहा है तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? ए। तो दूसरे क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ए। क्लियर है यहां तक सभी को? कोई डाउट नहीं? चलो आगे बढ़ते हैं। लोरमी पठार, ठीक, अगला क्या बोल रहा है? लोरमी पठार के संबंध में असत्य कथन पहचानिए। किसके संबंध में? लोरमी पठार के संबंध में। चलो, चार क्या दिए हैं आपको ऑप्शन दिए हुए हैं, कथन दिए हुए हैं। लोरमी पठार के सिहावा क्षेत्र से मनियारी नदी निकलती है। दूसरा क्या बोल रहा है? मनियारी नदी पर बिलासपुर में खुड़िया बांध निर्मित है। दूसरा क्या बोल रहा है? खुड़िया बांध पर राजीव गांधी परियोजना निर्मित है। और चौथा क्या बोल रहा है? मनियारी नदी ताला गांव में शिवनाथ से मिल जाती है। मनियारी नदी ताला गांव में क्या होती है? शिवनाथ से मिल जाती है। ये चार क्या है आपके पास? कथन है। जानने क्या है आपको? असत्य कथन जानने हैं। ठीक है, क्या जानने हैं? असत्य कथन जानने हैं। आंसर लगाएंगे आप? अपना आंसर लगाइए। मैं पहले लोरमी पठार पढ़ाऊंगा, फिर आपको इसका आंसर बताऊंगा। मैं क्या बताऊंगा, आप खुद ही क्या कर लेंगे, अपना आंसर बना लेंगे जब मैं आपको लोरमी पठार बता दूंगा। ठीक है, तो चलो सबसे पहले अपन लोरमी पठार पढ़ लेते हैं। लोरमी पठार क्या पढ़ना है अपने को? लोरमी पठार। लोरमी पठार के अंतर्गत अभी जस्ट हमने देखा था मैप में कि लोरमी पठार जो है इसका विस्तार कहां पर है, तो आपको क्या बताना है? मुंगेली जिला में है। ठीक है, कौन से जिला में है? मुंगेली जिला में है। और ये
जो पठार है आपका लोरमी पठार, ये भी किसका भाग है? तो ये भी मैकल पर्वत का भाग है। ठीक है, किसका भाग है? मैकल पर्वत का भाग है। क्लियर। अब पढ़ते हैं लोरमी पठार के बारे में। ठीक है, क्या चीज महत्वपूर्ण रूप से आपको यहां पर जानना है? ठीक है, तो जो लोरमी पठार है, ठीक है, कौन सा पठार आपका? लोरमी पठार। इस लोरमी पठार के अंतर्गत एक पहाड़ी है, सिहावल की पहाड़ी। सिहावल पहाड़ी है, इसको सिहावल क्षेत्र भी कहा जाता है। ठीक है, कौन सी पहाड़ी है? सिहावल पहाड़ी है। किस पठार के अंतर्गत? लोरमी पठार के अंतर्गत। इस सिहावल पहाड़ी से या सिहावल क्षेत्र से एक नदी निकलती है जिसका नाम है मनियारी नदी। ठीक है, कौन सी नदी? मनियारी नदी, है ना। ये जो मनियारी नदी है ये सबसे पहले सिहावल क्षेत्र से निकलकर कहां प्रवाहित हो रही है? तो ये हो रही है मुंगेली में प्रवाहित। ठीक है, कहां पर प्रवाहित हो रही है? तो मुंगेली में प्रवाहित हो रही है। और मुंगेली में ही इस पहाड़ी पर, किस पहाड़ी, सॉरी, मुंगेली में ही इस नदी पर, कौन से नदी पर? तो मनियारी नदी पर, मनियारी नदी पर एक बांध है जिसका नाम है खुड़िया बांध या खुड़िया जलाशय। ठीक है, कौन सा बांध है? खुड़िया बांध है। मनियारी नदी पर कौन सा बांध? खुड़िया बांध। और इस खुड़िया बांध पर एक परियोजना चल रही है जिसका नाम है राजीव गांधी परियोजना। ठीक, कौन सी परियोजना? तो राजीव गांधी परियोजना। ठीक, मनियारी नदी पर मुंगेली में कौन सा एक बांध? खुड़िया बांध या खुड़िया जलाशय, उस पर कौन सी एक परियोजना? तो राजीव गांधी परियोजना। और ये जो राजीव गांधी परियोजना है ये 1924 से 1930 के मध्य में क्या हुई थी? बनी थी। ठीक, अब ये जो मनियारी नदी है, ठीक है, कौन सी नदी? मनियारी नदी सिहावल क्षेत्र लोरमी पठार से निकलकर सबसे पहले कहां प्रवाहित हो गई? तो मुंगेली में प्रवाहित हो गई। मुंगेली के उपरांत ये जो मनियारी नदी है ये पहुंचती है बिलासपुर। ठीक है, कहां पहुंचती है? बिलासपुर। मुंगेली के उपरांत ये जो नदी है कहां पहुंच रही है? बिलासपुर पहुंच रही है। और बिलासपुर के अंतर्गत एक जगह है, आप सभी ने नाम सुना होगा, जिसका नाम है ताला गांव। ठीक है, कौन सा जगह? ताला गांव। बिलासपुर के अंतर्गत कौन सा जगह? ताला गांव। और ताला गांव में देखते हैं आप, ताला गांव के अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण चीजें हैं। जैसे सबसे पहले आप ध्यान रखना कि ताला गांव में एक मंदिर है जिसका नाम है देवरानी जेठानी का मंदिर। ठीक है, कौन सा मंदिर है? देवरानी जेठानी का मंदिर। देवरानी जेठानी का मंदिर, है ना। ये जो देवरानी जेठानी का मंदिर है इसका निर्माण, ठीक है, किसका निर्माण? देवरानी जेठानी मंदिर का निर्माण 5वीं सदी में, ठीक है, कब हुआ था? तो 5वीं सदी में हुआ था। देवरानी जेठानी मंदिर का निर्माण कब हुआ? 5वीं सदी में हुआ। और यह जो देवरानी जेठानी मंदिर है इसके निर्माण करता थे सरभपुरी वंश के शासक। ठीक है, किस वंश के शासक थे? तो सरभपुरी वंश के शासकों के द्वारा क्या किया गया था? यह जो देवरानी जेठानी का मंदिर है इसका निर्माण कराया गया था। क्लियर है, सरभपुरी वंश के शासकों के द्वारा क्या किया गया था? इसका निर्माण कराया गया था। समझ में आ गया। और ये जो देवरानी जेठानी का मंदिर है ये छत्तीसगढ़ का सबसे प्राचीन मंदिर है। छत्तीसगढ़ का सबसे प्राचीन मंदिर है। ठीक है, क्या है ये? छत्तीसगढ़ का सबसे प्राचीन मंदिर है। क्लियर। इसके अलावा ताला गांव से ही एक अष्टभुजीय काल पुरुष या रुद्र पुरुष की प्रतिमा प्राप्त हुई है। अष्टभुजीय काल पुरुष या रुद्र पुरुष की क्या हुई है? प्रतिमा प्राप्त हुई है। और ये जो अष्टभुजी काल पुरुष या रुद्र पुरुष हैं इनके प्रतिमा के प्रत्येक जोड़ पर ग्यारह जीव जंतुओं के सिर हैं। ठीक है, किसके सिर हैं? तो ग्यारह जीव जंतुओं के सिर हैं।
समझ में आ गया? कितने किसके सिर हैं? तो 11 अलग अलग प्रकार के जीव जंतुओं के सिर हैं। इसके अलावा ये जो आपका ताला गांव है, ठीक है, क्या है आपका ताला गांव है, जिसको आमेरी कापा ताला भी कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है? आमेरी कापा ताला। ठीक है, यहां पर इस ताला गांव में, आमेरी कापा ताला में जो मनियारी नदी है, कौन सी नदी? मनियारी नदी। ये शिवनाथ नदी से क्या हो जाती है? मिल जाती है। दोनों नदी का क्या हो जाता है? यहां पर संगम हो जाता है। तो मनियारी और शिवनाथ का संगम कहां? तो ताला गांव में। क्लियर है? मनियारी नदी कहां से निकल रही है? तो सिहावल क्षेत्र लोरमी पठार से निकलकर सबसे पहले कहां प्रवाहित हो रही है? मुंगेली में। मुंगेली में कौन सा एक बांध? तो खुड़िया बांध। खुड़िया बांध के अंतर्गत कौन सी परियोजना? राजीव गांधी परियोजना। कब से कब तक? 1924 से 30 के मध्य में क्या हुआ? ये बनकर तैयार हुआ है। मुंगेली के उपरांत मनियारी नदी कहां पहुंच रही है? तो बिलासपुर। बिलासपुर के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण जगह क्या? तालागांव। तालागांव में क्या है? तो देवरानी जेठानी का मंदिर है। देवरानी जेठानी मंदिर का निर्माण कब हुआ, बोलो आप मेरे साथ? तो 5वीं सदी में हुआ। 5वीं सदी के अंतर्गत किसके द्वारा निर्माण कराया गया? तो सरबपुरी वंश के शासकों के द्वारा क्या किया गया? इसका निर्माण कराया गया। और ये क्या है? छत्तीसगढ़ का सबसे प्राचीन मंदिर है। ठीक, इसके बाद हमने क्या देखा कि यहां पर एक अष्टभुजी काल पुरुष या रुद्र पुरुष की क्या हुई है? प्रतिमा भी प्राप्त हुई है, जिसके प्रत्येक जोड़ पर क्या है? अलग अलग जीव जंतुओं के सिर बने हैं। इसके अलावा तालागांव, तालागांव का क्या? अमेरिका पर ताला। अमेरिका पर ताला में क्या? मनियारी और शिवनाथ नदी का क्या हो रहा है? संगम हो रहा है। समझ में आ गया? अब आते हैं हम अपने क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपको? लोरमी पठार के संबंध में असत्य कथन पहचानिए। पहला कथन क्या है? लोरमी पठार के सिहावा क्षेत्र से मनियारी नदी निकलती है। क्या? सिहावा क्षेत्र से निकलती है। सिहावा क्षेत्र से महानदी निकलती है। ठीक है, कौन सी नदी निकलती है? महानदी निकलती है। और सिहावा कहाँ है? सिहावा की जो पहाड़ी है वो है आपका धमतरी में। ये जो क्षेत्र है, ये यहां पर हमने क्या लिखा था? तो सिहावल क्षेत्र लिखा था। ठीक है, क्या लिखा था? सिहावल क्षेत्र लिखा था, है ना। वहां से क्या निकलती है आपकी? मनियारी नदी निकलती है। और सिहावा पर्वत या सिहावा पहाड़ी से कौन सी नदी निकलती है? तो महानदी निकलती है। ठीक है, फिर क्या बोल रहा है? मनियारी नदी पर बिलासपुर में खुड़िया बांध निर्मित है। क्या बिलासपुर में खुड़िया बांध है? क्या? नहीं, बिलासपुर में नहीं है। कहां पर है? मुंगेली में है खुड़िया बांध। ठीक है, बिलासपुर में नहीं है। कहां पर है खुड़िया बांध? तो ये है मुंगेली में। बिलासपुर के अंतर्गत कौन सा बांध है? तो खुटाघाट बांध है रतनपुर में, है ना। तो ये क्या हो जा रहा है आपका? ऑप्शन गलत हो जा रहा है। पहला ऑप्शन भी क्या है? गलत है। तीसरे ऑप्शन क्यों आते हैं? खुड़िया बांध पर राजीव गांधी परियोजना निर्मित है। अभी देखा हमने जस्ट कि खुड़िया बांध पर मुंगेली में क्या है? राजीव गांधी परियोजना निर्मित है, है ना। तो तीसरा आपका ऑप्शन क्या हो जा रहा है? सही हो जा रहा है। चौथा, मनियारी नदी ताला गांव में शिवनाथ से मिल जाती है। अभी जस्ट देखा था कि मनियारी नदी ताला गांव के अंतर्गत क्या होती है? शिवनाथ में मिल जाती है। तो तीसरा और चौथा ऑप्शन क्या है? सही है। लेकिन हमको छांटना क्या है? असत्य कथन छांटना है। असत्य कथन कौन कौन से हैं? तो पहले और दूसरे नंबर के जो कथन है वो क्या है? असत्य है। पहला और दूसरा कहां नजर आ रहा है आपको? तो डी में नजर आ रहा है पहला और दूसरा। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? डी। ठीक है, तीसरे क्वेश्चन का आपका आंसर क्या हो गया? डी हो गया। समझ में आ गया बात? चलो आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। पूर्वी सीमांत उच्च भूमि में कौन सा जिला शामिल नहीं है? अभी ही जस्ट मैंने बताया था आपको, पूर्वी सीमांत उच्च भूमि छत्तीसगढ़ के 4 जिलों में क्या है? विस्तृत है। कौन कौन से वो 4 जिले? तो हमने देखा था महासमुंद, महासमुंद के बाद गरियाबंद, फिर धमतरी और बालोद। इन 4 जिलों में क्या है? पूर्वी सीमांत उच्च भूमि का विस्तार है। ठीक है, तो यहां पर देख पा रहे हैं आप जसपुर। जसपुर में क्या है? पूर्वी सीमांत उच्च भूमि का, जो पूर्वी सीमांत उच्च भूमि है उसका विस्तार नहीं है। तो इसका आंसर क्या होगा आपका? जसपुर। पूर्वी सीमांत उच्च भूमि कौन से जिला शामिल नहीं है इसमें? तो जसपुर जिला शामिल नहीं है। इसके अलावा धमतरी, महासमुंद, बालोद और कौन सा आपका छूट रहा है? तो गरियाबंद। ठीक है, ये 4 जिले क्या हैं आपके? शामिल है। क्लियर है? चलो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। पूर्वी सीमांत उच्च भूमि पर निम्न कथनों में विचार करें। ठीक है, क्या करने हैं आपको? निम्न जो कथन है उन पर विचार करने हैं। क्या क्या कथन दिए गए हैं? पहला, इसके अंतर्गत महासमुंद में पिथौरा, पेटेचुआ, शिशुपाल, रदन पहाड़ी है। दूसरा, पेटेचुआ पहाड़ी से खारून नदी का उद्गम होता है। तीसरा, खारून नदी बालोद, दुर्ग, रायपुर, महासमुंद, बलौदा बाजार जिले में प्रवाहित होती है।
चौथा, बलौदा बाजार के सोमनाथ क्षेत्र में खारून नदी शिवनाथ से नहीं मिलती है। क्या छाटने हैं आपको? निम्न में से कौन सा सत्य कथन नहीं है? क्या छाटने हैं? सत्य कथन नहीं है, मतलब आपको निकालना क्या है यहां पर? असत्य कथन निकालना है। चलो निकालो, असत्य कथन निकालो जल्दी आप। बना लिए आप? लगा लिया आंसर? चलो फिर से पहले अपन पढ़ लेते हैं पूर्वी सुमांत उच्च भूमि के बारे में, उसके बाद फिर इसको तो आप आराम से बना लेंगे ही लेंगे, ये तो मेरे को पता ही है, ठीक है। चलो तो सबसे पहले अपन पढ़ लेते हैं पूर्वी सीमांत उच्च भूमि के संबंध में कथन, ठीक है। तो ये जो आपका पूर्वी सीमांत उच्च भूमि है, पूर्वी सीमांत उच्च भूमि, ठीक है, पूर्वी सीमांत उच्च भूमि, इसका विस्तार कहां कहां पर? तो सबसे पहले आप ध्यान रखना बालोद, बालोद उपरांत धमतरी, गरियाबंद और महासमुंद, इन चार जिलों में क्या है? पूर्वी सीमांत उच्च भूमि का विस्तार है, है ना। देखते हैं बालोद के अंतर्गत जो कौन कौन सा जो क्षेत्र है या क्या क्या चीजें हैं जो पूर्वी सीमांत उच्च भूमि का हिस्सा है, जिसको हमको अपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना है, ठीक है। तो बालोद के अंतर्गत आपको दो चीजें याद रखनी है। पहला, एक तो याद रखना है पेटेचुआ की पहाड़ी, ठीक है। क्या याद रखना है? पेटेचुआ की पहाड़ी। और दूसरा आपको याद रखना है दल्ली राजरा की पहाड़ी, दल्ली राजरा पहाड़ी। ये दो चीजें ध्यान रखना है आपको। अब पहले देखते हैं, सबसे पहले पेटेचुआ पहाड़ी के बारे में हम पढ़ते हैं, ठीक है। सबसे पहले क्या पढ़ते हैं हम? पेटेचुआ पहाड़ी के बारे में पढ़ते हैं। ये जो पेटेचुआ पहाड़ी है, इससे एक नदी निकलती है जिस नदी का नाम है खारून नदी, ठीक है। कौन सी नदी निकलती है? खारून नदी निकलती है। कहां से निकल रही है? पेटेचुआ की पहाड़ी से निकल रही है। मतलब पेटेचुआ पहाड़ी कहां पर है? बालोद में है। तो खारून नदी सबसे पहले कौन से जिले में प्रवाहित होगी? तो बालोद जिले में प्रवाहित होगी। पेटेचुआ की पहाड़ी से कौन सी नदी? खारून नदी। खारून नदी सबसे पहले कौन से जिले में प्रवाहित हो रही है? बालोद में। बालोद के बाद ये जो नदी है ये पहुंचती है दुर्ग, ठीक है। कहां पहुंचती है? दुर्ग। और दुर्ग के बाद ये जो नदी है ये पहुंचती है रायपुर, ठीक है। कहां पहुंचती है? रायपुर। रायपुर में इस नदी पर एक महादेव घाट है, ठीक है। क्या है? महादेव घाट है रायपुर में इस नदी पर। क्या? तो महादेव घाट। महादेव घाट पर एक बना है आपका लक्ष्मण झूला, ठीक है। क्या बना है? लक्ष्मण झूला बना है। लक्ष्मण झूला क्या है? तो यह छत्तीसगढ़ का फर्स्ट सस्पेंशन ब्रिज है, फर्स्ट सस्पेंशन ब्रिज है, ठीक है। इसके अलावा जो रायपुर शहर है, रायपुर शहर वो क्या है? इस नदी के तट पर बसा है, मतलब खारून नदी के तट पर, खारून नदी के तट पर बसा है। क्लियर है? ठीक है, तट पर क्या हुआ है? ये बसा है। अब इसके बाद ये जो खारून नदी है ये पहुंचती है बलौदा बाजार, ठीक है। कहां पहुंचती है? तो ये पहुंचती है बलौदा बाजार, है ना। और बलौदा बाजार के अंतर्गत एक क्षेत्र है जिसका नाम है सोमनाथ क्षेत्र, ठीक है। कौन सा क्षेत्र? सोमनाथ क्षेत्र। इस सोमनाथ क्षेत्र में ये जो खारून नदी है ये शिवनाथ नदी से मिल जाती है, ठीक है। किससे मिल जाती है? तो शिवनाथ नदी से मिल जाती है। दोनों नदी का क्या होता है यहां पर? संगम होता है। और ध्यान में रखना एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट, इन्हीं दोनों नदी के संगम पर यहां सोमनाथ का मंदिर है, ठीक है। कौन सा मंदिर है? सोमनाथ का मंदिर।
समझ आ गया कौन सा मंदिर है? सोमनाथ का मंदिर है। तो ध्यान देना आप, सबसे पहले हमने क्या देखा, पेटेचुआ की पहाड़ी, कहां पर? बालोद जिले में, है ना। इस पेटेचुआ की पहाड़ी से कौन सी एक नदी निकल रही है? खारून नदी निकल रही है। खारून नदी सबसे पहले कहां प्रवाहित हुआ? तो बालोद में। बालोद से फिर कहां पर आया? दुर्ग। दुर्ग से रायपुर, रायपुर से बलौदा बाजार। तो अगर आपको मैं प्रवाह क्षेत्र पूछ लूं खारून नदी का, कि प्रवाह क्षेत्र कहां है इसका या किस दिशा में है, तो आप क्या बताएंगे? बालोद दिख रहा है आपको नीचे, बालोद से ऊपर क्या? दुर्ग। दुर्ग से ऊपर क्या? रायपुर। और रायपुर से ऊपर क्या? बलौदा बाजार। मतलब उत्तर की दिशा में क्या है? खारून नदी का प्रवाह क्षेत्र है। इसी चीज को आपको समझना है, यही चीज आपको क्या किया गया, यहां पर बताया गया है। रायपुर में क्या क्या चीजें हैं? महादेव घाट। महादेव घाट पर क्या बना है? लक्ष्मण झूला। और ये लक्ष्मण झूला क्या है? छत्तीसगढ़ का फर्स्ट सस्पेंशन ब्रिज है। इसके अलावा जो रायपुर शहर है वो कौन से नदी के किनारे? तो इसी खारून नदी के किनारे बसा है, ये ध्यान देना है। फिर रायपुर से आप कहां पर देख रहे हैं? बलौदा बाजार। बलौदा बाजार के अंतर्गत क्या आपका? सोमनाथ क्षेत्र। और इस सोमनाथ क्षेत्र पर क्या है? खारून एवं शिवनाथ नदी का संगम होता है, और इस संगम पर सोमनाथ का क्या है? मंदिर है। क्लियर है यहां तक? चलो आगे देखते हैं अपने दल्ली राजरा की पहाड़ी को। ठीक है, क्या देखते हैं अपन आगे? अब दल्ली राजरा की पहाड़ी। ये जो दल्ली राजरा की पहाड़ी है, यहां पर लौह अयस्क का भंडार है। ठीक है, किसका भंडार है? लौह अयस्क का भंडार है, है ना। और ये जो लौह अयस्क का भंडार है, इसका उत्पादन और उपयोग कौन करता है? तो इसका उत्पादन और उपयोग करता है बीएसपी, भिलाई स्टील प्लांट। क्या करता है? इसका उत्पादन एवं उपयोग करता है। लेकिन मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि वर्तमान में जो बीएसपी है, भिलाई स्टील प्लांट है, वो कहां से अपने लोहे की आपूर्ति कर रहा है? तो रावघाट पहाड़ी कांकेर से अपने लोहे की आपूर्ति कर रहा है। क्यों? क्योंकि दल्ली राजरा पहाड़ी के अंतर्गत अब उतना लोहा नहीं बचा है जो क्या कर सके, बीएसपी की सभी मांगों को पूरी कर सके, या बीएसपी को जितना लोहा चाहिए वो क्या कर सके, वो दे सके। इसलिए अब ही वर्तमान में जो बीएसपी है वो कहां से अपने लोहे की आपूर्ति कर रहा है? रावघाट पहाड़ी से कर रहा है। लेकिन इससे पहले तक उसकी सारी आपूर्ति कहां से हो रही है, हो रही थी। तो कहां से हो रही थी? तो यहां दल्ली राजरा पहाड़ी बालोद से हो रही थी। क्लियर है? आगे देखते हैं हम धमतरी। तो ये जो धमतरी है, इस धमतरी में आपको दो चीजें ध्यान रखनी है। पहला, धमतरी में एक है सिहावा पर्वत। ठीक है, कौन सा पर्वत है? सिहावा पर्वत है, है ना। और ये जो सिहावा पर्वत है, इससे महानदी का उद्गम है, ये तो बच्चा बच्चा जानता है। ठीक है, कौन सी नदी निकलती है? महानदी निकलती है। और हमने क्या पढ़ा था? लोरमी पठार। लोरमी पठार के अंतर्गत क्या आपका? सिहावल क्षेत्र, सिहावल की पहाड़ी, वहां से कौन सी नदी निकलती है? तो मनियारी नदी निकलती है। धमतरी में क्या आपका? सिहावा पर्वत, और सिहावा पर्वत से कौन सी नदी निकलती है? महानदी निकलती है। इसके अलावा धमतरी में एक और पहाड़ी है जिसका नाम है नरियर पानी पहाड़ी। नरियर पानी पहाड़ी, ठीक है, कौन सी पहाड़ी है? नरियर पानी पहाड़ी है। ठीक है, अब अपन देखते हैं गरियाबंद। तो गरियाबंद में आप ध्यान रखना, दो चीजें आपको ध्यान रखनी है। गरियाबंद के अंतर्गत एक क्षेत्र है राजिम, और राजिम को छत्तीसगढ़ का प्रयाग कहा जाता है। छत्तीसगढ़ का प्रयाग, ठीक। ये जो आप महानदी देख रहे हैं, राजिम देख रहे हैं, इन सभी चीजों को हम विस्तृत चर्चा करेंगे कब? जब हम लोग महानदी अपवाह तंत्र पढ़ेंगे। ठीक है, यह भी सिर्फ आपको जानना है कि जो धमतरी के अंतर्गत सिहावा पर्वत है, वहां से कौन सी नदी निकलती है? महानदी निकलती है। गरियाबंद में जो राजिम है, उसे क्या कहा जा रहा है? छत्तीसगढ़ का प्रयाग कहा जा रहा है। क्यों कहा जा रहा है? ठीक है, कौन कौन सी नदियां यहां पर मिल रही है, इन सब चीजों पर चर्चा करेंगे जब हम महानदी अपवाह तंत्र पढ़ेंगे। क्लियर है? ठीक है, इसके अलावा ये जो गरियाबंद है, इस गरियाबंद में एक पहाड़ी है जिसका नाम है भातृगढ़ की पहाड़ी। भातृगढ़ पहाड़ी, और इस भातृगढ़ पहाड़ी से एक नदी निकलती है जिसका नाम है पैरी नदी। ठीक है, कौन सी नदी निकलती है? पैरी नदी निकलती है। ठीक है, पैरी नदी पर गरियाबंद के सीकासार क्षेत्र में, ठीक है, कौन से क्षेत्र में? सीकासार क्षेत्र में एक परियोजना चल रहा है जिसका नाम है पैरी सीकासार परियोजना। ठीक है, क्या नाम है?
पैरी सिकासार परियोजना। और ये जो पैरी सिकासार परियोजना है, ये परियोजना 1978-79 में क्या हुआ था, बना था। साथ ही इसी पैरी सिकासार परियोजना में अभी वर्तमान 2006 से, कब से, 2006 से 7 मेगावाट बिजली का उत्पादन किया जा रहा है। कितने मेगावाट बिजली उत्पादन किया जा रहा है, 7 मेगावाट बिजली उत्पादन यहां पर किया जा रहा है। ठीक है, कितने मेगावाट बिजली उत्पादन किया जा रहा है, 7 मेगावाट बिजली उत्पादन किया जा रहा है। समझ में आ गया। आगे अपन देख लेते हैं महासमुंद को। महासमुंद, महासमुंद के अंतर्गत तीन पहाड़ी आपको ध्यान रखना है। एक है पिथौरा पहाड़, दूसरा है शिशुपाल पहाड़, और तीसरा है रदन पहाड़। इन चीजों को क्या करना है, आपको ध्यान देना है। समझ में आ गया, क्लियर है। ठीक है, कौन कौन सी चीजें आपको ध्यान में रखना है पूर्वी सीमांत उच्च भूमि में। तो पहला चीज आप ध्यान में रखना कि पूर्वी सीमांत उच्च भूमि के अंतर्गत जो बालोद है, बालोद में कौन सी एक पहाड़ी, पेटेचुआ की पहाड़ी। पेटेचुआ की पहाड़ी से कौन सी एक नदी, खारून नदी निकल रही है। खारून नदी सबसे पहले कहां प्रवाहित हुई, दुर्ग, दुर्ग से रायपुर, रायपुर से बलौदा बाजार। ठीक है, बालोद, दुर्ग, रायपुर, बलौदा बाजार। रायपुर में क्या क्या चीजें, महादेव घाट, लक्ष्मण झूला। लक्ष्मण झूला क्या है, छत्तीसगढ़ का फर्स्ट सस्पेंशन ब्रिज है, है ना। आप बताएंगे कि छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा सस्पेंशन ब्रिज कहां पर अभी बनाया गया है। ठीक है, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा सस्पेंशन ब्रिज अभी कहां पर बनाया गया है। ठीक है, फिर क्या देख रहे हैं आप कि ये जो रायपुर शहर है, ये कौन से नदी किनारे है, खारून नदी के ही किनारे है। और बलौदा बाजार के अंतर्गत जो सोमनाथ क्षेत्र है, वहां पर खारून और शिवनाथ नदी का क्या हो जा रहा है, संगम हो जा रहा है। और इसी संगम पर सोमनाथ का क्या है, मंदिर भी है। ठीक है, क्लियर। अगला धमतरी, धमतरी के अंतर्गत सिहावा पर्वत, जहां से महानदी निकल रही है। और एक है क्या, नरियर पानी की पहाड़ी। दूसरा क्या, गरियाबंद, गरियाबंद के अंतर्गत राजिम, राजिम को क्या कहा जा रहा है, छत्तीसगढ़ का प्रयाग। इसके अलावा भातृगढ़ की पहाड़ी, जहां से कौन सी नदी निकल रही है, तो पैरी नदी निकल रही है। और पैरी नदी पर गरियाबंद के सिकासार क्षेत्र में क्या है, पैरी सिकासार परियोजना है, जो कि कब से चल रही है, तो 1978-79 से चल रही है। साथ ही यहां पर 2006 से 7 मेगावाट बिजली का उत्पादन भी क्या किया जा रहा है, यहां पर किया जा रहा है। साथ ही महासमुंद, महासमुंद के अंतर्गत पिथौरा, शिशुपाल और रदन पहाड़ भी है। ठीक है, अब आते हैं हम अपने क्वेश्चन की ओर। क्या बोला जा रहा है, पूर्वी सीमांत उच्च भूमि पर निम्न कथनों में विचार करना है आपको। क्या क्या है कथन, पहला, इसके अंतर्गत महासमुंद में पिथौरा, पेटेचुआ, शिशुपाल और रदन पहाड़ी है। आपने भी अपना आंसर लगा लिया होगा, सही लगाया होगा तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं लगाया होगा तो अगर कुछ गलत हो रहा होगा तो उसको आप यहां पर चेक करेंगे, क्योंकि अपने को सारी गलतियां यहीं पर करनी है। एग्जाम हॉल में जाकर क्या नहीं करना है, अपने को किसी प्रकार की कोई गलती नहीं करना है, ऐसे ऑप्शनों में अपने को उलझना नहीं है, है ना। तो इसके अंतर्गत क्या बोला जा रहा है, महासमुंद में पिथौरा, पेटेचुआ, शिशुपाल और रदन पहाड़ी है। तो अभी जस्ट हमने देखा कि ये जो पेटेचुआ है, ठीक है, क्या है आपका, ये जो पेटेचुआ है ये है आपका बालोद में, है ना, कहां है, बालोद में। तो ये कथन क्या हो जा रहा है आपका, गलत हो जा रहा है। दूसरा क्या बोल रहा है, पेटेचुआ पहाड़ी से खारून नदी का उद्गम है, ये सही है, पेटेचुआ पहाड़ी से हमने अभी देखा था खारून नदी का उद्गम हुआ है। फिर क्या बोल रहा है, खारून नदी बालोद, दुर्ग, रायपुर, महासमुंद, बलौदा बाजार जिले में प्रवाहित होती है। तो मैंने आपको बताया था बालोद, दुर्ग, दुर्ग से रायपुर, और रायपुर से वो कहां चले जाता है, सीधा बलौदा बाजार चले जाता है, ये महासमुंद नहीं जाता है। ठीक है, महासमुंद ये नहीं जाता है, इसलिए ये कथन भी क्या हो जा रहा है आपका, गलत हो जा रहा है। चौथा क्या बोल रहा है, बलौदा बाजार के सोमनाथ क्षेत्र में खारून नदी शिवनाथ से नहीं मिलती है, बोल रहा है, क्या बोल रहा है, नहीं मिलती है। लेकिन बलौदा बाजार के सोमनाथ क्षेत्र में जो खारून नदी है वो शिवनाथ से मिलती है। तो क्या करना है अपने को भी यहां पर, निम्न में से क्या बोला जा रहा है, कौन सा जो कथन है वो, निम्न में से कौन सा जो कथन है वो सत्य नहीं है, बोल रहे हैं सत्य नहीं है, मतलब अपने को असत्य कथन क्या करने हैं, छांटने हैं। अब असत्य कथन अपने को छांटने हैं, तो कौन सा कथन असत्य है हमारा,
तो पहला भी कथन असत्य है, तीसरा कथन असत्य है और चौथा कथन असत्य है। आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी, पहला, तीसरा और चौथा कथन असत्य है। ठीक है, सिर्फ जो दूसरा कथन है वो क्या है, सही है कि पेटे चुआ पहाड़ी से खारू नदी का उद्गम होता है। समझ में आ गया? चलो हम अब अपने अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन, नरियर पानी पहाड़ी। ठीक है, नरियर पहाड़ी हो गया सीधा, ये क्या लिखेंगे आप इसको, नरियर पानी पहाड़ी। नरियर पानी पहाड़ी किस जिले में है? नरियर पानी पहाड़ी या नरियर पानी हिल इज इन विच डिस्ट्रिक्ट? ठीक है, किस जिले में है? तो किस जिले में है, अभी हमने देखा था धमतरी जिले में है। समझ में आ गया? ये तो अब आराम से बना लेंगे। ठीक है, हमने अभी जस्ट ही इसको पढ़ा है। क्लियर, छठवा क्वेश्चन क्लियर है। चलो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। काकिया क्षेत्र किसे कहते हैं? ठीक है, क्या कहा जा रहा है, काकिया क्षेत्र किसे कहते हैं? पहला क्या बोल रहा है, पूर्वी जसपुर में मैनी नदी घाटी, पश्चिमी जसपुर में मैनी नदी घाटी, पूर्वी जसपुर में ईब नदी घाटी और पश्चिमी जसपुर में ईब नदी घाटी। आंसर लगाइए आप अपना, फिर मैं चर्चा करता हूं इसके बारे में। ठीक, काकिया क्षेत्र, काकिया क्षेत्र किसे कहते हैं? तो आप इसका आंसर है पश्चिमी जसपुर में मैनी नदी घाटी। ठीक, पश्चिमी जसपुर या जसपुर पाट के अंतर्गत जो मैनी नदी है वो जसपुर जिले के पश्चिमी क्षेत्र में, कौन से क्षेत्र में, पश्चिमी क्षेत्र में एक छोटी छोटी घाटी का क्या करती है, निर्माण करती है, जिसको वहां के स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है, काकिया कहा जाता है। ठीक है, तो पश्चिमी जसपुर के अंतर्गत कौन सी घाटी, मैनी नदी की घाटी। ठीक, क्लियर है। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं हम। जसपुर पाट के संबंध में कथनों पर विचार करें। ठीक है, किसके संबंध में, जसपुर पाट के संबंध में कथनों पर विचार करें बोला जा रहा है। पहला क्या बोल रहा है, दक्कन ट्रैप के अलावा यहां ग्रेनाइट चट्टान भी प्रमुख रूप से पाई जाती है। दूसरा क्या बोल रहा है, इस पाट के ढाल क्षेत्र पर वनों की अधिकता है। ठीक है, जो स्लोपिंग एरिया है वहां पर क्या है, वनों की अधिकता है। तीसरा बोल रहा है, इसे ईब मैनी घाटी भी कहा जाता है। और चौथा बोल रहा है, जसपुर पाट की ऊंचाई दक्षिण की ओर क्रमशः घटते जाती है। इसको मैं एक्सप्लेन करता हूं आपको, जो दक्कन ट्रैप है ना, दक्कन ट्रैप के यहां अलावा यहां पर ग्रेनाइट चट्टान भी प्रमुख रूप से पाई जाती है। यह कथन क्या है, बिल्कुल सही है ना। अपने को पहचानना भी क्या है, सत्य कथन पहचानना है। आप अपना आंसर लगा कर रखिए कि कौन कौन से कथन जो है वो सत्य है। दूसरा क्या बोला जा रहा है, इस पाट के ढाल क्षेत्र पर वनों की अधिकता है। बिल्कुल, इस पाट का जो ढाल क्षेत्र है वहां पर वनों की अधिकता है एवं इसकी जो सकरी घाटी वाला जो क्षेत्र है, जो समतल मैदान वाला जो क्षेत्र है, वहां पर कृषि योग्य भूमि भी पाई जाती है और इसके ढाल क्षेत्र में क्या है, वनों की अधिकता है। क्लियर। फिर क्या बोल रहे हैं, इसे ईब मैनी घाटी भी कहा जाता है। तो जो जसपुर पाट है, जसपुर पाट के उत्तर में, कहां पर, उत्तर में ईब नदी और जसपुर पाट के दक्षिण में मैनी नदी क्या होती है, प्रवाहित होती है। ठीक है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, ईब मैनी घाटी भी कहा जाता है। अगला बोल रहा है, जसपुर पाट की ऊंचाई दक्षिण की ओर क्रमशः घटते जाती है। यह कथन भी बिल्कुल सही है कि जो जसपुर पाट है इसमें जैसे जैसे आप दक्षिण की ओर जाते जाते हैं इसकी ऊंचाई क्या होती है, घटते जाती है। क्लियर है, समझ में आ गया। तो आप देख रहे हैं चारों कथन क्या हो रहा है, यहां पर सही हो रहा है। तो आपका आंसर भी क्या हो जाएगा, डी, सभी क्या है, सत्य है। छत्तीसगढ़ के पाट प्रदेश के संबंध में मैं थोड़ी चर्चा कर लेता हूं आपके साथ। पाट प्रदेश है ना, ये जो पाट प्रदेश हो गया, इसको में ये जो क्षेत्र देख रहे हैं आप, ठीक है, ये जसपुर जिले के अंतर्गत का क्षेत्र है। यहां पर आप मैप बनाकर रख लीजिए। ठीक, ये जो क्षेत्र देख रहे हैं आपका, ये कौन से जिले का है, तो ये आपका जसपुर जिला है। ठीक है, ये क्षेत्र क्या कहलाता है आपका, ये कहलाता है जसपुर पाट। ठीक है, क्या कहलाता है, जसपुर
पाट कहलाता है। ठीक, ये चित्र क्या कहलाता है? जसपुर पाट कहलाता है। जो जसपुर पाट है ये संपूर्ण जसपुर जिले में क्या है, विस्तृत है, लेकिन जसपुर पाट के अंतर्गत ही एक और क्षेत्र है। ठीक है, जसपुर पाट या जसपुर जिला जो है उसका एक क्षेत्र या एक तहसील जो है पंडरा पाट, सॉरी ये क्या है, बगीचा तहसील। और बगीचा तहसील में है आपका कौन सा पाट? पंडरा पाट। बगीचा तहसील के अंतर्गत कौन सा पाट आपका? पंडरा पाट, पंडरा पाट। ठीक है, तो संपूर्ण जसपुर जिले में किसका विस्तार? जसपुर पाट का विस्तार। लेकिन जसपुर जिले के बगीचा तहसील में किस पाट का विस्तार है? तो वो है पंडरा पाट। ठीक है, इसके अलावा है ना, इसके अलावा ये जो ऊपर क्षेत्र देख रहे हैं आप है ना, ये है आपका जमीर पाट। ठीक है, क्या है ये? आपका जमीर पाट, और ये है आपका लहसुन पाट। लहसुन पाट है ना, इन दोनों को एक साथ मिलाकर बोलते हैं हम सामरी पाट। ठीक है, क्या कहा जाता है? सामरी पाट कहा जाता है। ठीक है, और सामरी पाट जो है ये सामरी कुसमी तहसील बलरामपुर के अंतर्गत क्या है, विस्तृत है। ठीक है, तो ये जसपुर जिला हो गया। जसपुर के उपरांत ये जो क्षेत्र देख रहे हैं बलरामपुर वाला आप, इसमें ये जो क्षेत्र है आपका, ये वाला क्षेत्र क्या है आपका? सामरी पाट प्रदेश का क्षेत्र है। ठीक है, कौन सा क्षेत्र है? सामरी पाट प्रदेश का क्षेत्र है। ठीक, आगे ये जो अब जिला आ रहा है आपका, यहां से आपका ये क्या हो जाएगा? सरगुजा है ना। तो सरगुजा के अंतर्गत एक पाट जारंग पाट और सरगुजा में ही एक पाट और जिसका नाम है आपका क्या? मैन पाट। क्लियर है, ये छत्तीसगढ़ के प्रमुख पाट है जिसमें आपको ध्यान में रखना है जसपुर पाट, जसपुर पाट के अलावा पंडरा पाट। ठीक है, जसपुर पाट का विस्तार कहाँ? संपूर्ण जसपुर जिले में, लेकिन बगीचा तहसील को छोड़कर। वो जो बगीचा तहसील छूटा हुआ है वहां पर कौन सा एक पाट है आपका? तो पंडरा पाट है। इसके अलावा ऊपर जैसे अब जाते हैं तो कौन सा एक पाट दिख रहा है आपको? जमीर पाट पूर्व की ओर, और पश्चिम की ओर कौन सा पाट? लहसुन पाट। और दोनों को एक साथ मिलाकर क्या बोल रहे हैं हम? अपन सामरी पाट बोल रहे हैं ना। ये जो सामरी पाट है, सामरी पाट के पश्चिम में क्या है? लहसुन पाट। सामरी पाट के पूर्व में क्या? जमीर पाट। ठीक है, फिर आप क्या देख रहे हैं? जारंग पाट और मैन पाट। क्लियर है यहां तक? समझ में आ गया? ठीक, अब क्वेश्चन की ओर आते हैं। ठीक है, क्वेश्चन, इसका आंसर तो आप लगा लिए थे जसपुर पाट के संबंध में है ना। जसपुर पाट के बारे में अब हम क्या करते हैं, थोड़ा पढ़ लेते हैं। जसपुर पाट है ना, ये जो जसपुर पाट है इसका विस्तार कहां है? तो जसपुर जिला में है। ठीक है, कहां है? जसपुर जिला में। ठीक, इस पाट का विस्तार कहां? जसपुर जिला में, लेकिन किसको छोड़कर? बगीचा तहसील छोड़कर। बगीचा तहसील छोड़कर विस्तार कहां पर? तो जसपुर जिला में, लेकिन किसको छोड़कर? बगीचा तहसील छोड़कर है ना। किसका भाग है ये? तो हमको पता है कि छोटा नागपुर के पठार का भाग है। जब हमने प्राकृतिक प्रदेश पढ़ा था तब आपने देखा था कि ये किसका भाग है, तो ये छोटा नागपुर के पठार का भाग है। छोटा नागपुर के पठार का भाग है। ये जो जसपुर पाट है इसकी औसत ऊंचाई, औसत ऊंचाई, औसत ऊंचाई है इसका 275 से 500 मीटर तक। ठीक है, औसत ऊंचाई कितनी है? तो 275 से 500 मीटर जसपुर पाट की क्या है? औसत ऊंचाई है। ठीक है, और ये जो जसपुर पाट है ये छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा एवं चौड़ा पाट प्रदेश है। सबसे बड़ा एवं चौड़ा पाट प्रदेश है। ठीक है, ऊंचाई देख रहे हैं हम 275 एवं 275 से 500 मीटर। 275 से 500 मीटर क्या है? इसकी एवरेज हाइट है। ठीक है, औसत ऊंचाई है। इसलिए ये जो है आपका क्या, जसपुर पाट, इसको सबसे कम ऊंचाई वाला पाट भी कहा जाता है। ठीक, क्या कहा जाता है? सबसे कम
ऊंचाई वाला पार्ट भी इसको कहा जाता है, ठीक है। और सबसे कम ऊंचाई होने के कारण ही इसे नीच घाट भी कहा जाता है, ठीक है। क्या कहा जाता है? नीच घाट भी इसको कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इसकी ऊंचाई सबसे कम है। इसके अलावा इसका एक अन्य नाम, तो अन्य नाम में आप ध्यान रखना, इसे ईब मैनी घाटी भी कहा जाता है, ठीक है। क्या कहा जाता है? ईब मैनी घाटी भी इसको कहा जाता है। इसके अलावा ये जो जसपुर पाट है आपका, इस जसपुर पाट में चट्टान प्रमुख रूप से क्या, तो आपको पता है एक तो दक्कन ट्रैप पाया ही जाएगा यहां पर, है ना। क्या पाया जाएगा? दक्कन ट्रैप पाया जाएगा, साथ ही यहां पर ग्रेनाइट चट्टान भी क्या हो रही है, पाई जा रही है, है ना। दिशा, जसपुर पाट कहां पर है? तो छत्तीसगढ़ के सापेक्ष ये जो जसपुर पाट है ये उत्तर पूर्वी दिशा में है, ठीक है। कौन सी दिशा में है? उत्तर पूर्वी दिशा में है। इसके साथ ही इस जसपुर पाट में एक लोरो घाटी पाई जाती है, ठीक है। कौन सी घाटी पाई जाती है? लोरो घाटी पाई जाती है, जिसे छत्तीसगढ़ में फूलों की घाटी कहते हैं। फूलों की घाटी क्या कहा जाता है? इसे छत्तीसगढ़ में फूलों की घाटी कहा जाता है। किसे कहा जाता है? तो लोरो घाटी को कहा जाता है। दो चीजें हैं, मैकल पर्वत, मैं सॉरी मैकल पर्वत बोल रहा हूं, केशकाल घाटी। केशकाल घाटी को भी फूलों की घाटी कहा जाता है, लेकिन सबसे पहले प्राथमिकता आपको किसको देना है? लोरो घाटी को देना है। अगर आपको क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि छत्तीसगढ़ के अंतर्गत कौन कौन से क्षेत्र फूलों की घाटी के रूप में जाने जाते हैं, तब आप क्या आंसर लगाएंगे? अगर आपको एक से अधिक आंसर चूज करना रहेगा तो आप लोरो घाटी प्लस केशकाल घाटी दोनों लगा सकते हैं। लेकिन सिर्फ अगर आपको एक ऑप्शन पूछ दिया गया कि छत्तीसगढ़ में फूलों की घाटी किसे कहा जाता है, तब आप क्या लगाएंगे? लोरो घाटी लगाएंगे, अगर ऑप्शन में लोरो घाटी और केशकाल घाटी दोनों है तो। अगर मान लो लोरो घाटी नहीं रहा तो आप केशकाल घाटी पे क्या कर सकते हैं? टिक लगा सकते हैं, ठीक है। अब ये जो जसपुर पाट है, इस जसपुर पाट के अंतर्गत एक पहाड़ी है जिसका नाम है लुडेंग पहाड़ी, ठीक है। कौन सी पहाड़ी? लुडेंग पहाड़ी। और ये जो लुडेंग पहाड़ी है इससे केलो नदी का उद्गम है, ठीक है। कौन सी नदी का उद्गम है? केलो नदी का उद्गम। केलो नदी जसपुर पाट लुडेंग पहाड़ी से निकलकर सबसे पहले कहां प्रवाहित होगी? तो जसपुर जिले में प्रवाहित होगी। जसपुर से फिर ये नदी आती है कहां? रायगढ़, ठीक। जसपुर से कहां आती है? रायगढ़। जो केलो नदी है इसको रायगढ़ की जीवन रेखा नदी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जीवन रेखा नदी भी कहा जाता है, ठीक है। और रायगढ़ में इस पर एक केलो परियोजना भी बना है, ठीक है। कौन सी परियोजना बना है? केलो परियोजना, या इसी को अभी वर्तमान के अंतर्गत स्वर्गीय दिलीप सिंह जुदेव परियोजना भी कहा जाता है। स्वर्गीय दिलीप सिंह जुदेव परियोजना भी कहा जाता है। कौन सी परियोजना को? केलो परियोजना को, जो 2008 से 2014 के मध्य में क्या हुआ है, बना है। साथ ही जो लुडेंग पहाड़ी है इसके अंतर्गत जो लुडेंग चोटी है, लुडेंग चोटी, इस लुडेंग चोटी को छत्तीसगढ़ में टमाटर की राजधानी कहा जाता है। टमाटर की राजधानी, ठीक है। क्या कहा जाता है? टमाटर की राजधानी कहा जाता है। समझ में आ गया क्या कहा जाता है? टमाटर की राजधानी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि यहां पर सर्वाधिक टमाटर उत्पादन होता है, सर्वाधिक टमाटर उत्पादन छत्तीसगढ़ के अंतर्गत सर्वाधिक टमाटर उत्पादन कहां? तो लुडेंग पहाड़ी में, ठीक है। ये कुछ फैक्ट्स है किसके बारे में? तो जसपुर पाट के बारे में। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर।
निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है, बोल रहा है, ठीक है, क्या बोला जा रहा है, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो देखिए आप, सामरी पाट सामरी कुसमी तहसील में, पंडरा पाट बगीचा तहसील में, जसपुर पाट जसपुर में, मैन पाट लखनपुर तहसील में। चलो इसमें से आप आंसर लगाइए, लगा लिए आंसर आप। तो देखें, सामरी पाट मैंने अभी आपको बताया कि सामरी कुसमी तहसील के अंतर्गत क्या है, सामरी पाट का विस्तार है, क्लियर है। फिर पंडरा पाट को भी मैंने बताया कि संपूर्ण जसपुर जिले में कौन सा पाट, तो जसपुर पाट, लेकिन जसपुर जिले का जो बगीचा तहसील है उसमें कौन सा पाट, तो पंडरा पाट, ये भी सुमेलित है। जसपुर पाट जसपुर लिखा हुआ है, ये भी सुमेलित है। मैन पाट यही सुमेलित नहीं है, मैन पाट जो है वो सरगुजा जिले के अंतर्गत सीतापुर एवं दक्षिणी अंबिकापुर तहसील में क्या है, विस्तृत है, ठीक है, लखनपुर तहसील में विस्तृत नहीं है, लखनपुर सरगुजा जिले के अंतर्गत एक तहसील जरूर है, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, डी। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। जसपुर पाट में किस अपवाह तंत्र का विस्तार नहीं है, बोला जा रहा है, ठीक है, क्या बोला जा रहा है, जसपुर पाट में किस अपवाह तंत्र का विस्तार नहीं है। महानदी अपवाह तंत्र, नर्मदा अपवाह तंत्र, ब्राह्मणी अपवाह तंत्र, सोनगंगा अपवाह तंत्र, ठीक। तो अपवाह तंत्र जब हम पढ़ेंगे तब तो इसके बारे में पूरे डिटेल में अपने को पढ़ना ही है, लेकिन आप देख लीजिए कि जो जसपुर पाट है उसके अंतर्गत, इस पाट प्रदेश के अंतर्गत एक नदी आती है ईब नदी, हालांकि इस पाट से निकलती नहीं है ये ईब नदी, है ना, और ये जो ईब नदी है ये महानदी की सहायक नदी है। किसकी सहायक नदी है, महानदी की सहायक नदी है। ओडिशा में जाकर जो ये ईब नदी है वो क्या होती है, महानदी से मिल जाती है, ठीक है। अगला ब्राह्मणी, ब्राह्मणी अपवाह तंत्र के अंतर्गत एक नदी आती है शंख नदी, और इस शंख नदी का भी जो उद्गम क्षेत्र है वो क्या है, तो जसपुर पाट है, ठीक है। शंख नदी किसकी सहायक नदी है, तो ब्राह्मणी की सहायक नदी है, और इस शंख नदी का उद्गम क्षेत्र भी क्या है, तो जसपुर पाट है। तीसरा सोनगंगा अपवाह तंत्र, सोनगंगा अपवाह तंत्र, तो सोनगंगा अपवाह तंत्र के अंतर्गत एक आता है कन्हार नदी, और कन्हार नदी किसकी सहायक नदी है, तो जो सोनगंगा अपवाह तंत्र या सोन नदी की सहायक नदी है, है ना। और कन्हार नदी जो है ये बखौनी चोटी से निकलता है और सोनगंगा अपवाहतंत्र का क्या है, हिस्सा है। तो महानदी अपवाहतंत्र, ब्राह्मणी अपवाहतंत्र और सोनगंगा अपवाहतंत्र क्या है, जसपुर पाट के हिस्से हैं, ठीक है, या जसपुर पाट के अंतर्गत जो नदियां हैं वो इन नदियों की सहायक नदियां हैं, मतलब इन अपवाहतंत्र के क्षेत्र में जसपुर पाट आता है। लेकिन नर्मदा अपवाह तंत्र जो है वो इसका हिस्सा नहीं है। नर्मदा अपवाह तंत्र के बारे में हम पढ़ेंगे। दो नदियां मैंने आप लोग को बताया था जब मैकल पर्वत पढ़ा रहा था, तो मैकल पर्वत के अंतर्गत कवर्धा में एक पहाड़ी जिसका नाम क्या, कांदावानी की पहाड़ी, और उस कांदावानी की पहाड़ी के पश्चिम से दो नदियां निकल रही थी, एक बंजर और एक ताड़ा। दोनों नदी मध्य प्रदेश में जाकर क्या होती है, नर्मदा नदी से मिल जाती है, और नर्मदा अपवाह तंत्र के अंतर्गत छत्तीसगढ़ के क्षेत्र भी इसी तरह शामिल हो जाते हैं, ठीक है। जो इस तरह आपको क्या समझ में आ रहा है कि जो नर्मदा अपवाह तंत्र है वो जसपुर पाट का हिस्सा नहीं है, किसका हिस्सा है बोल सकते हो, मैकल पर्वत के अंतर्गत हिस्सा है क्या आपका, नर्मदा अपवाह तंत्र, है ना। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, नर्मदा अपवाह तंत्र, बी। चलो देखते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। पंडरा पाट के विषय में कौन सा कथन असत्य है, पहला बोल रहा है इसकी ऊंचाई 1133 मीटर है, दूसरा बोल रहा है खुर्जा पहाड़ी इसका प्रमुख भाग है, तीसरा बोल रहा है खुर्जा पहाड़ी से ईब नदी का उद्गम होता है, और चौथा बोल रहा है ईब नदी पर गुल्लू बेने छुरी जलप्रपात है। क्या क्या जलप्रपात है, तो गुल्लू बेने और छुरी जलप्रपात है। कौन बोल रहा है आपको, असत्य कथन छांटना है किसके संबंध में, तो पंडरा पाट के संबंध में असत्य कथन छांटना है। चलो छांटे आप, बना लिए, लगा लिए अपना आंसर, नहीं लगाए हैं तो चलो पहले अपन क्या कर लेते हैं, इसी पे एक चर्चा कर लेते हैं, किसके ऊपर, तो पंडरा पाट के ऊपर हम अपनी क्या कर लेते हैं, एक चर्चा कर लेते हैं। पहला देखते हैं कि ये जो पंडरा पाट है, पंडरा पाट जो है, पंडरा पाट का विस्तार देख लेते हैं। पंडरा पाट का विस्तार कहां, तो अभी हमने देखा बगीचा तहसील, बगीचा तहसील, पंडरा पाट का विस्तार कहां पर है, तो बगीचा तहसील में है। बगीचा तहसील कहां, तो जसपुर में, ठीक। इसके अलावा इसकी जो ऊंचाई है, ऊंचाई
वो है 1123 मीटर। पंडरा पाट की ऊंचाई कितनी है? 1123 मीटर है। पंडरा पाट की ऊंचाई कितनी? 1123 मीटर। क्लियर। अब ये जो पंडरा पाट है, यहां पर प्रमुख फसलें कौन कौन सी होती है? तो यहां पर लीची, स्ट्रॉबेरी, चाय, कॉफी, आलू, टमाटर, ठीक है। मतलब मैक्सिमम क्या हो रहा है यहाँ पर? बगानी फसल हो रहा है, ठीक है, बगानी फसल, ठीक है। मैक्सिमम क्या होता है? बगानी फसल होता है। इसलिए पंडरा पाट को छत्तीसगढ़ का बगीचा कहा जाता है, छत्तीसगढ़ का बगीचा, ठीक है। पंडरा पाट को क्या कहा जाता है? छत्तीसगढ़ का बगीचा कहा जाता है। क्लियर है यहां तक? ये जो पंडरा पाट है आपका, ठीक है, जो पंडरा पाट है, इस पंडरा पाट पर, ठीक है, एक पहाड़ है जिसका नाम है खुरजा या खुरजा या खुड़िया पहाड़, खुरजा खुड़िया पहाड़। इस खुरजा खुड़िया पहाड़ से एक नदी का उद्गम होता है जिसका नाम है ईब नदी, ठीक है। कौन से नदी का उद्गम होता है? ईब नदी का उद्गम होता है। खुरजा खुड़िया पहाड़ से कौन से एक नदी का उद्गम हो रहा है? ईब नदी का उद्गम हो रहा है। इस ईब नदी के रेत में सोने के कण पाए जाते हैं, ठीक है। क्या होता है यहां पर? सोने के कण पाए जाते हैं। ठीक, ईब नदी के रेत में क्या पाए जाते हैं? सोने के कण पाए जाते हैं। खाली होंगे आप लोग, थोड़ा फ्री होंगे तो सोना बीनने के लिए जा सकते हैं आप लोग, ठीक है। एक आग मिल जाए तो आधा मेरे को भी दीजिएगा, क्योंकि इन्फॉर्मेशन कौन दे रहा है आपको? मैं दे रहा हूँ, तो आधा हिस्सा मेरा बनता है, ठीक है। ईब नदी के रेत में क्या है? सोने के कण पाए जाते हैं। और ये जो सोने के कण यहाँ पर पाए जा रहे हैं, इसको सोनझरिया जनजाति निकालती है, ठीक है। कौन सी जनजाति निकालती है? सोनझरिया जनजाति निकालती है। सोनझरिया जनजाति इसको निकालने का काम करती है, ठीक है। अब ये जो ईब नदी है, इस ईब नदी पर कुछ महत्वपूर्ण जलप्रपात हैं, जिसमें एक जलप्रपात है रानीदाह जलप्रपात, रानीदाह जलप्रपात, ठीक है। इस रानीदाह जलप्रपात पर उड़ीसा की रानी, उड़ीसा की रानी शिरोमणि, उड़ीसा की रानी शिरोमणि ने आत्मदाह किया था, ठीक है। क्या किया था यहाँ पर? आत्मदाह किया था, ठीक, क्या किया था? आत्मदाह किया था। उड़ीसा की रानी शिरोमणि ने क्या किया था? आत्मदाह किया था। क्यों किया था? तो रानी जी को प्रेम था, ठीक है, प्रेम था किसी लड़के से। लेकिन जो रानी रहती शिरोमणि, इनके घर वाले क्या नहीं होते? उस लड़के को अपनाते नहीं हैं, उस लड़के से इनका विवाह करने से क्या कर देते हैं? इनकार कर देते हैं। जब रानी के घर वाले इनकार कर देते हैं, तो रानी जो रहती है ये क्या करती है? अपने राज्य से भगती है ना, और भगते हुए कहां पर पहुंच जाती है? जसपुर, और जसपुर के अंतर्गत इस जलप्रपात के निकट, ठीक। रानी का पीछा करते हुए इनके पांच भाई भी क्या होते हैं? इनके पीछे आते हैं, ठीक है, ताकि क्या ना कर पाए, ये ज्यादा दूर ना भग पाए, और इनको क्या किया जा सके? फिर से राजमहल लेकर जाया जा सके। जैसे ही जो इनके भाई रहते हैं, रानी के जो पांच भाई रहते हैं, ये इनके बहुत करीब पहुंच जाते हैं, तो रानी को जब और कोई रास्ता नहीं समझ में आता, तो वो क्या करती है? इस जलप्रपात में कूद कर क्या कर लेती है? आत्मदाह, आत्महत्या कर लेती, ठीक है, सुसाइड कर लेती है। इसलिए इस जलप्रपात का नाम क्या पड़ गया? रानीदाह जलप्रपात नाम पड़ गया। फिर कुछ मान्यताएं हैं कि ये जो पांच भाई इनके आए थे यहां पर रानी का पीछा करते हुए, वो श्राप के कारण क्या हो जाते हैं? वहीं पर पत्थर बन जाते हैं। और वर्तमान के अंतर्गत रानीदाह जो जलप्रपात है, उस रानीदाह जलप्रपात के किनारे वो पांच पत्थर हैं, जिनको आज वर्तमान में पंच भैया या पंच मैया के नाम से जाना जाता है, या पंच भैया पंच मैया के नाम से वो जो पांच पत्थर हैं प्रसिद्ध हैं। क्लियर है यहां तक? इसके अलावा इस नदी पर गुल्लू, बेने, गुल्लू, बेने एवं
छुरी जलप्रपात भी स्थित है। क्लियर है यहां तक आपको? अब आते हैं हम अपने क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 15 पाठ के विषय में कौन सा कथन असत्य है? ठीक है, असत्य कथन में आपको क्या दिख रहा है? इसकी ऊंचाई 1133 मीटर है ना। पहले ही मैंने बताया आपको कि इसकी ऊंचाई क्या है, 1123 मीटर है। ठीक है, ऊंचाई क्या है इसकी, 1123 मीटर है, ना कि 1133 मीटर। दूसरा क्या बोल रहा है? खुर्जा पहाड़ी इसका प्रमुख भाग है। देखे अभी हम कि खुर्जा पहाड़ी क्या है, इसका प्रमुख भाग है। तीसरा क्या बोल रहा है? खुर्जा पहाड़ी से ईब नदी का उद्गम है। ये भी सही है। अभी देखें कि खुर्जा पहाड़ी से कौन सी नदी निकल रही थी, ईब नदी निकल रही थी, जिसके रेत में क्या पाए जा रहे थे, सोने के कण पाए जा रहे थे। चौथा क्या बोल रहा है? ईब नदी पर गुल्लू बेने एवं छुरी जलप्रपात है। सही है ये भी। ठीक है, तो ये तीन कथन क्या हो गए, सही है। अपने को क्या जानना है, असत्य कथन जानना है। तो असत्य कथन क्या है आपका पहला, तो आंसर क्या हो जाएगा, एक, और एक कहाँ है, ए में। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, ए। क्लियर, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सर्वाधिक बॉक्साइट का भंडार किस पार्ट में है, है ना। तो सर्वाधिक जो बॉक्साइट का भंडार है वो जारंग पार्ट में है। ठीक है, किस पार्ट में है, जारंग पार्ट में है। समझ में आ गया, सर्वाधिक बॉक्साइट का भंडार कहां पर, तो जारंग पार्ट में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मैन पार्ट के संबंध में कथनों पर विचार करें। ठीक है, क्या करना है आपको, मैन पार्ट के संबंध में कथनों पर विचार करना है। कौन कौन से कथन दिए गए हैं? पहला कथन है आपका क्या, इस पार्ट की ऊंचाई 1152 मीटर है। दूसरा, इस पार्ट में बंदरकोट, राकामाड़ा, भालूमाड़ा गुफा स्थित है। तीसरा, परपटिया एवं मालतीपुरी एडवेंचर जोन बनाया गया है। चौथा, इस क्षेत्र में देव प्रवाह झरना स्थित है। और पांचवा, इसे छत्तीसगढ़ का तिब्बत कहा जाता है। क्या जानना है अपने को, कौन सा जो कथन है वो सत्य है, ये आपको क्या करने हैं, जानने हैं। एक, दो, तीन, चार के सभी सत्य हैं। चलो विचार करो इसके ऊपर, फिर मैं आंसर बताता हूं। लगा लिया आंसर आप, क्लियर है? ठीक, चलो इसका मैं आंसर देने से पहले मेन पार्ट के बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेता हूं आपके साथ, फिर हम आगे पढ़ेंगे। मेन पार्ट जो है इसका विस्तार है सीतापुर प्लस दक्षिणी अंबिकापुर, सरगुजा में क्या है, इसका विस्तार है। ठीक है, मेन पार्ट की जो ऊंचाई है, जो हाईएस्ट पीक है वो है 1152 मीटर। ठीक है, कितनी है हाइट इसकी, तो 1152 मीटर है। किसका भाग है ये, तो ये भी क्या होगा, छोटा नागपुर पठार का भाग। छोटा नागपुर पठार का भाग, ठीक। मेन पार्ट के अंतर्गत गुफा, ठीक है, गुफाएं कौन कौन सी हैं, तो मेन पार्ट के अंतर्गत मुख्य रूप से बंदरकोट, राकामाड़ा, भालूमाड़ा, पैगा गुफा और झील गुफा, ये प्रमुख गुफाएं हैं, बंदरकोट, राकामाड़ा, भालूमाड़ा, पैगा, झील गुफा। इसके अलावा कुछ महत्वपूर्ण घाटियां हैं। घाटियां कौन कौन सी घाटियां हैं, तो इसके अंतर्गत करदन, कदनई, सकरिया, गोविंदपुरा, ये प्रमुख घाटियां हैं। ठीक, इसके अलावा ये जो मेन पार्ट है आपका, इस मेन पार्ट में सफेद मूसली की खेती की जाती है। सफेद मूसली की खेती की जा रही है अभी।
ठीक है, किसकी खेती की जा रही है? तो सफ़ेद मूसली की खेती यहाँ पर की जा रही है। ठीक, अब मेन पार्ट जो है इसके संबंध में कुछ महत्वपूर्ण चीज़ों पर अभी अपन चर्चा करते हैं। मेन पार्ट, ये जो मेन पार्ट है अपने को पता है कैसा क्षेत्र है, तो ये एक जंगली पहाड़ी क्षेत्र है। मेन पार्ट क्या है आपका? एक जंगली पहाड़ी क्षेत्र है, है ना। मेन पार्ट कैसा क्षेत्र है? एक जंगली पहाड़ी क्षेत्र है जहां पर मैक्सिमम ठंड पड़ता है। ठीक है, सर्वाधिक ठंड पड़ता है छत्तीसगढ़ के अंतर्गत। मेन पार्ट में क्या होता है? सर्वाधिक ठंड पड़ता है, इसलिए इसे छत्तीसगढ़ का शिमला कहा जाता है। ठीक, क्या कहा जाता है? छत्तीसगढ़ का शिमला कहा जाता है। मेन पार्ट को क्या कहा जाता है? छत्तीसगढ़ का शिमला कहा जाता है। क्यों? क्योंकि एक जंगली पहाड़ी क्षेत्र है जहां पर क्या हो रहा है, बहुत ठंड पड़ रही है, इसलिए हम इसकी तुलना किसे करते हैं? शिमला से करते हैं, और इसको छत्तीसगढ़ का शिमला कहा जाता है। ठीक है, ये क्या है? छत्तीसगढ़ का एक हिल स्टेशन है। ठीक, इसके अलावा जो मेन पार्ट है ये पाट प्रदेश का हिस्सा है। ठीक है, किसका हिस्सा है? पाट प्रदेश का हिस्सा है। पाट प्रदेश का हिस्सा मतलब यहां पर कौन सी चट्टान? तो दक्कन ट्रैप। ठीक, कौन सी चट्टान? दक्कन ट्रैप। दक्कन ट्रैप तो खनिज क्या पाया जाएगा? बॉक्साइट, बॉक्साइट है ना। और ये जो बॉक्साइट यहां पर पाया जाता है इसका उत्पादन और उपयोग बालको कर रहा है। ठीक है, कौन कर रहा है? बालको कर रहा है। कोरबा के अंतर्गत एल्यूमिनियम कंपनी के द्वारा क्या किया जा रहा है? इस बॉक्साइट का उपयोग किया जा रहा है। ठीक है, इसके बाद जब 1962 में, कब? 1962 में भारत एवं चीन का जब क्या हुआ था? युद्ध हुआ था। ठीक, क्या हुआ था? भारत एवं चीन का जब युद्ध हुआ था, तो इस युद्ध के दौरान जो तिब्बती शरणार्थी थे, ठीक है, कौन थे? तिब्बती जो शरणार्थी थे इनको क्या किया गया था? मेन पार्ट में बसाया गया था। इन तिब्बती शरणार्थियों को मेन पार्ट में बसाया गया था। ठीक है, तिब्बती शरणार्थियों को क्या किया गया था? मेन पार्ट में बसाया गया। और तब से ये जो मेन पार्ट है ये बौद्ध धर्म का प्रमुख केंद्र है। ठीक, क्या है? ये बौद्ध धर्म का प्रमुख केंद्र है। बौद्ध धर्म का प्रमुख केंद्र, ठीक है, बौद्ध धर्म का प्रमुख केंद्र जब है ये, तो यहां पर क्या होगा? बुद्ध पूर्णिमा को मेला भी लगेगा। बुद्ध पूर्णिमा को मेला क्या होता है? यहां पर लगता है। क्लियर है यहां तक? बुद्ध पूर्णिमा को क्या हो रहा है? यहां पर मेला लगता है। साथ ही जब से तिब्बती शरणार्थियों को मेन पार्ट में बसाया गया है, तब से मेन पार्ट को छत्तीसगढ़ का तिब्बत भी कहा जाता है। छत्तीसगढ़ का तिब्बत कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है? छत्तीसगढ़ का तिब्बत कहा जाता है। समझ में आ गया? इसके अलावा ये जो मेन पार्ट है आपका, है ना, इस मेन पार्ट से एक नदी निकलती है जिसका नाम क्या है? मांड नदी। ठीक है, कहां से निकलती है? मांड नदी जो है मेन पार्ट, मेन पार्ट के क्या? गढ़ पहाड़, और गढ़ पहाड़ के अंतर्गत जो मेन पार्ट है उसके उत्तरी ढाल से क्या होता है? मांड नदी निकलता है। और ये जो मांड नदी है, इस मांड नदी पर सरगुजा में, कहां पर? सरगुजा में एक जलप्रपात है जिसका नाम है सरभंजा जलप्रपात। सरभंजा जलप्रपात, ठीक है, कौन सा जलप्रपात है? तो सरभंजा जलप्रपात है। समझ में आ गया? इसके अलावा यहां प्रमुख फसल,
तो प्रमुख फसल में यहाँ लीची, स्ट्रॉबेरी और आलू यहाँ की प्रमुख फसल है। इसके अलावा भी मैंने बताया था आपको कि सफ़ेद मूसली की भी क्या की जा रही है, यहाँ पर खेती की जा रही है ना। अब ये जो आलू है, यहाँ मैन पार्ट के अंतर्गत आलू अनुसंधान केंद्र भी है, ठीक है, पोटैटो रिसर्च सेंटर भी यहाँ पर मौजूद है। आलू अनुसंधान केंद्र, आलू अनुसंधान केंद्र भी क्या है यहाँ पर उपस्थित है। आलू अनुसंधान केंद्र यहाँ पर बनाया गया है, ठीक है। इसके बाद जो मेन पार्ट है, यहाँ पर्यटन की दृष्टि से भी बहुत सारे क्षेत्र हैं, जैसे यहाँ पर एक टाइगर पॉइंट है, टाइगर पॉइंट, फिश पॉइंट, मेहता पॉइंट, इको पॉइंट, देव प्रवाह झरना, उल्टा पानी, दलदली क्षेत्र और ठिनठिनी पत्थर। दलदली क्षेत्र और ठिनठिनी पत्थर यहाँ के क्या हैं, प्रमुख पर्यटन क्षेत्र है। ये जो ठिनठिनी पत्थर है, इसको आपने देखा होगा, ठीक है, वीडियोस में देखा होगा कि इसको पीटने पर क्या होता है, एक धातु की आवाज आती है, पत्थर के जैसा आवाज यहाँ पर नहीं निकलता, ठीक है। ये क्या हो गया, मेन पार्ट के बारे में एक विस्तृत जानकारी हो गई आपके सामने। अब चलते हैं मेन पार्ट के संबंधित जो कथन है उसके ऊपर विचार करते हैं अपन, ठीक। मेन पार्ट के संबंध में कथनों पर आपको क्या करना है, विचार करना है। विचार क्या, इस पार्ट की ऊंचाई 1152 मीटर है, बिल्कुल सही 1152 मीटर है, अभी पढ़ा हमने। इस पार्ट में बंदर कोट, ये बंद कोट हो गया है, ठीक है, अब ध्यान रखना क्या है आपका, बंदर कोट है, बंदर कोट, ठीक है, बंदर कोट, राकामाड़ा भालूमाड़ा गुफा स्थित है, यह कथन भी बिल्कुल सही है, बंदर कोट राकामाड़ा भालूमाड़ा गुफा है। परपटिया एवं मालतीपुरी एडवेंचर जोन बनाया गया है, यह कथन भी सही है। मेन पार्ट के अंतर्गत जो परपटिया और मालतीपुरी क्षेत्र है, इसमें क्या किया गया है, एडवेंचर जोन बनाया गया है। इस क्षेत्र में देव प्रवाह झरना स्थित है, अभी मैंने बताया देव प्रवाह झरना प्रमुख रूप से क्या है, यहाँ पे एक पर्यटन क्षेत्र है, ठीक है, इसे छत्तीसगढ़ का तिब्बत कहा जाता है, यह कथन भी बिल्कुल सही है। जब 1962 में भारत चीन का युद्ध हुआ, तब तिब्बती शरणार्थियों को क्या किया गया था, मेन पार्ट में बसाया गया था, तब से मेन पार्ट को क्या कहा जाता है, छत्तीसगढ़ का तिब्बत कहा जाता है। मतलब सभी कथन क्या हुए हैं आपके यहाँ पे, सत्य हो रहे हैं, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, डी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला, कौन सा पार्ट छत्तीसगढ़ एवं झारखंड की सीमा पर स्थित है, ठीक है, कौन सा पार्ट छत्तीसगढ़ एवं झारखंड की सीमा पर स्थित है, छत्तीसगढ़ एवं झारखंड की सीमा पर स्थित है, चर्चा करें आप, लगा लिए आंसर आप। तो देखिए, जो सामरी पार्ट है ये क्या है, छत्तीसगढ़ एवं झारखंड की सीमा पर स्थित है, ठीक। हमने जसपुर पार्ट के बारे में देख लिया, पंडरा पार्ट के बारे में देख लिया, सामरी पार्ट अभी आपने पास आ रहा है, तो सामरी पार्ट के विषय में भी क्या कर लेते हैं, हम एक चर्चा कर लेते हैं, ठीक। ये जो आपका सामरी पार्ट है, सामरी पार्ट है ना, इस सामरी पार्ट का जो विस्तार है वो है, सामरी कुसमी तहसील बलरामपुर के अंतर्गत, ठीक है। और ये जो सामरी कुसमी तहसील बलरामपुर के अंतर्गत इसका विस्तार है, किसका भाग है ये, तो छोटा नागपुर पठार का भाग है, छोटा नागपुर के पठार का भाग है। और ये जो सामरी पार्ट है, ये छत्तीसगढ़ एवं झारखंड की सीमा पर स्थित है, छत्तीसगढ़ झारखंड की सीमा पर क्या है, ये स्थित है, क्लियर।
इसकी औसत ऊंचाई जो है वो 750 से 1200 मीटर है और ये सबसे ऊंचा पाट प्रदेश है, सबसे ऊंचा पाट प्रदेश है। ठीक, क्या है ये? छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंचा पाट प्रदेश है। क्लियर है यहां तक? समझ में आ गया? साथ ही इसकी जो आकृति है वो सीढ़ी नुमा है। ठीक है, क्या है आकृति? सीढ़ी नुमा है। जो सामरी पाट है, हमने देखा था सामरी पाट में कि सामरी पाट के दो प्रमुख भाग हैं, एक इसके वेस्ट में क्या आपका लहसुन पाट और इसके ईस्ट में, इसके पूर्व में जमीर पाट। ठीक, लहसुन पाट पर छत्तीसगढ़ की सबसे ऊंची चोटी गौरलाटा है। ठीक है, क्या है? गौरलाटा। और गौरलाटा क्या है? छत्तीसगढ़ की सबसे ऊंची चोटी है, छत्तीसगढ़ की सबसे ऊंची चोटी है, छत्तीसगढ़ की सबसे ऊंची चोटी क्या है आपका? गौरलाटा। ठीक है, क्या है? छत्तीसगढ़ की सबसे ऊंची चोटी है। कितनी हाइट? तो 1225 मीटर। ये जो जमीर पाट है आपका, जमीर पाट में ॉक्साइट की प्रचुरता है। ठीक, मतलब यहां पर बॉक्साइट पाया जाता है अच्छी खासी मात्रा में, इसलिए जमीर पाट को छत्तीसगढ़ के अंतर्गत बॉक्साइट का मैदान कहते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? बॉक्साइट का मैदान कहा जाता है, छत्तीसगढ़ के अंतर्गत इसे बॉक्साइट का मैदान कहा जाता है। क्लियर है? हमने एक क्वेश्चन देखा था कि छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक बॉक्साइट का भंडार कहाँ है, तो सर्वाधिक बॉक्साइट का भंडार कहाँ है? तो वो है आपका जारंग पाट में। लेकिन छत्तीसगढ़ में बॉक्साइट का मैदान किसको बोलते हैं? तो वो बोलते हैं जमीर पाट को। क्लियर? चलो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। आगे अगला क्वेश्चन आपका, कौन सा पाट बॉक्साइट के मैदान के रूप में जाना जाता है? लहसुन पाट, जारंग पाट, जमीर पाट और पंडरा पाट। अभी मैंने बताया आपको क्या है आपका? जमीर पाट। क्लियर है? यही आपका लास्ट क्वेश्चन। अब आगे का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा छत्तीसगढ़ के मिट्टी पर। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो हमारा किस पे आएगा? छत्तीसगढ़ के मिट्टी पर आएगा, जिसमें हम छत्तीसगढ़ में पाई जाने वाली सभी मिट्टियों के बारे में क्या करेंगे? विस्तार से चर्चा करेंगे, उनसे संबंधित सभी प्रकार के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और सभी मिट्टियों को एक विस्तृत अध्ययन करके हुए पढ़ेंगे। क्लियर? अब मैं आज का जो वीडियो है उसको यहीं पर रोकता हूं और मिलता हूं आपसे नए वीडियो में, जिसमें फिर से एक नए टॉपिक के साथ हम आपको CGPSC के प्रारंभिक परीक्षा के अंतर्गत संपूर्ण पाठ्यक्रम की तैयारी करा रहे हैं। मिलते हैं, धन्यवाद।